और बच्चा लोग कैसे हो? चलिए चलते हैं कुछ नया सा करने। आज हम ये सीखेंगे कि जो हम चीजों को फेंक देते हैं या बेकार समझते हैं, आज उसका इतना अच्छा यूज बताऊंगी और उससे आपके पैसे भी बचने वाले हैं, काम भी बहुत फटाफट होने वाला है। होता क्या है, अक्सर घर में 3-4 बाथरूम होते हैं। बाथरूम चाहे 2 भी हों, लेकिन घर में जितने मेंबर होते हैं उतने तो सबके लिए अलग अलग साबुन हम रखते हैं। अब होता यह है कि जिसका भी छोटा पीस हुआ उसने फेंक दिया। तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों को आप फेंकिए मत, उसको कलेक्ट करिए और एक साथ मेरे पास देखिए कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे घर में भी 4 बाथरूम हैं, सबके अलग अलग छोटे छोटे साबुन के टुकड़े हैं जिन्हें मैं लेकर आई हूँ। अब इन्हें हम नाइफ से या पिलर से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना, बहुत ही मिनटों में बन जाएगा और आपके काफ़ी सारे पैसे भी बचेंगे। और वही साबुन है, कोई गलत साबुन नहीं है, जिसे आप यूज़ करते हो वही साबुन आप ले सकते हैं। तो देखिए, इन सारे टुकड़ों को मैंने एक साथ कर लिया है। अब एक बर्तन लेते हैं जिसमें ये सारे साबुन के टुकड़े डाल देते हैं। अलग अलग कलर के भी हों तो भी चलेगा। यहाँ पर मैं 2 तरीके आपको बताऊंगी। एक तरीका ये अभी बता रही हूँ, इसमें हमने साबुन डाल दिया है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा हल्का गुनगुना पानी। पानी हमें इतना डालना है कि साबुन जो है भीग जाए, अच्छे से भीग जाए। अब इसे आप कवर करके रख दीजिए ओवरनाइट के लिए और सुबह आप देखेंगे कि पूरा ही ये घुल गया होगा और इसे मिक्स करके हम छान लेंगे। एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका जो आपको अभी अभी बनाना है, तो मिक्सी का जार ले लीजिए। डरिए नहीं, इस मिक्सी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस मिक्सी को कैसे साफ करते हैं मैं वो भी दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। यहाँ देखिए, उसी पानी समेत मिक्सी के साथ मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद इसमें 1 चम्मच डाल दीजिए डिटोल। डिटॉल इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि नॉर्मल हमने इसमें पानी यूज़ किया है, तो अब इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और ये ख़राब होने का कोई चांस भी नहीं रहेगा। इसे मिलाकर देख लीजिए और अभी इसमें काफ़ी सारी झाग है। अब इसकी झाग थोड़ी कम हो जाए इस बर्तन में रख देते हैं, फिर मैं बताऊँगी इसका क्या करना है। कितना गाढ़ा सा हो गया, अभी ये गाढ़ा होगा, थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊँगी। अब सबसे पहले चलते हैं मिक्सर के जार को साफ करने, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही टेंशन होता है कि ये जार कैसे साफ होगा। यहाँ लीजिए जार। अब जार में डाल दीजिए गरम पानी, एक बार अच्छे से उसे मिक्सी में चला लीजिए। ये देखिए कितनी झाग वाला पानी आ गया है। अब ये जो झाग वाला पानी है ये किचन के कपड़ों में डाल दीजिए, इससे किचन की कपड़ों की भी धुलाई हो जाएगी और बहुत अच्छे से धुलाई होगी। इसमें गर्म पानी और भी डाल दीजिए और ये कपड़े जो है ना बढ़िया साफ हो जाएंगे। या आपको कुछ और धोना है तो वो भी कर सकते हैं, क्लीनिंग का कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। अभी ये मिक्सर साफ नहीं हुआ है, इसे अभी हम और साफ करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ देखिए, जार में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ये लीजिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ना हो तो कुछ भी आप विनेगर डाल सकते हैं थोड़ा सा, या नमक थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ मैंने नींबू का छिलका लिया, उसे टुकड़ों में काट लिया और अब मिक्सी को फिर से चलाते हैं। ये देखिए, अब बिल्कुल भी मिक्सी के अंदर झाग नहीं है। ये देखिए, जब तक मिक्सी में झाग है मतलब वो साबुन का तत्व उसमें है। अब झाग बिल्कुल भी नहीं है मतलब मिक्सी आपका बिल्कुल साफ हो चुका है। एक बार उसे साफ पानी से और साफ कर लीजिए और थोड़ी देर इसे खुला रखिए। अगर आपके पास में धूप है तो 10 मिनट के लिए मिक्सी को खुला धूप में रख दीजिए। ऐसे धूप नहीं हो तो इसे कम से कम थोड़ी देर खुला रखिए या पेपर को गीला करके इसके अंदर रख दीजिए। सारी स्मेल पेपर में आ जाएगी, आपकी मिक्सी बिल्कुल साफ हो जाएगी। चलिए, मिक्सी तो अब हमारी साफ हो गई। एक खाली बॉटल ले ली है, स्प्रे वाली बॉटल है मेरे पास, और यहाँ पर मैंने एक की फेनल जो होती है उसमें मैं इसको छान रही हूँ। और ये जो हैंड वॉश हमने बनाया है ये देखिए कितना गाढ़ा है और बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो जो फेंक रहे थे आप टुकड़े छोटे छोटे, उनसे हमने ये बनाया है और कुछ भी नहीं लगा है, बिना खर्चे के बिना मेहनत के ये बनकर तैयार हो गया, इतना गाढ़ा सा। अभी इसमें काफ़ी सारा है, दूसरी बॉटल में भी मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, तो देखा आपने, छोटे छोटे टुकड़ों से आपकी 2 बॉटल बन गई है। एक किचन में रख दीजिए, एक बाथरूम में रख दीजिए, आपका काम बच गया और पैसे तो काफ़ी सारे बचे हैं। तो बच्चों, ये कैसी लगी ट्रिक,
मुझे कमेंट करके बिल्कुल ना भूलना। अब चलते हैं इसको, हाथ कैसे साफ करें, वैसे तो आप सभी को पता है, पर फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें कितनी अच्छी झाग निकल रही है। तो कैसी लगी ये ट्रिक बच्चों? ये पसंद आई हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली को, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।